अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ONGO की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, जिसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि टेक्नो मोबाइल है या रेडमी के मोबाइल है या वीवो का मोबाइल है या सैमसंग की डिवाइसेस है, कुछ डिवाइसेज हैं जो कि हमारे हवावे के ONGO पे वर्क नहीं करती, मतलब एक मोबाइल पर चल रहा है तो दूसरे पे नहीं चल रहा। तो ये सोल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आ रही है, ऐसी सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने ONGO को ओपन कर लेते हैं, जिसकी हम थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद ये प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे पास, ये हम सॉल्व करेंगे फुल। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है, मैंने किसी कस्टमर को ONGO ओपन कर रखा है। आपने अब क्या चीज़ें चेक कर लेना है, सबसे पहले तो लैन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपके डिवाइसेज भी, लैपटॉप डिवाइसेज भी हो सकती हैं या कंप्यूटर भी हो सकता है जो कि लैंड से कनेक्ट है, उसमें भी ये इशू आ रहा हो कि मतलब एक कंप्यूटर चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा, मतलब इस तरह का इशू आ सकता है। सबसे पहले तो आपने ये सारी की सारी जो हैं लैंड जो पोर्ट्स हैं इसको कर लेना है चेक इन। चेक इन करने के बाद इसको कर लेना है अप्लाई। इससे क्या होगा कि तमाम की तमाम जो डिवाइसेज हैं वो रनिंग में आ जाएंगे और उसको आपका जो DHCP जो सर्वर है उसमें से IP एड्रेस, DHCP सर्वर यानी कि खुद IP एड्रेस असाइन करना लग जाएगा। इसके बाद आपने वैन की कुछ सेटिंग करनी है, लेकिन ये सारी सेटिंग करने से पहले एक चीज लाजमी आपने देख लेनी है, आपके ONGO का सिग्नल कितना है। जो रिकमेंड सिग्नल किया गया है वो है जी ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन में जाते हैं -3 से लेके -27 तक, तो ये -20 यानी कि ओके है, इसके दरमियान में होना चाहिए आपको सिग्नल, ठीक है। चलो जो वैन की सेटिंग में हम दोबारा आ जाते हैं कि वैन की हमने कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। अब ये मेरा एक PPO यूजर डायल हुआ हुआ है, अब इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या चीज़ें नोट करनी है, यहाँ पर एक तो अगर तो VLAN वगैरह है वो तो आपने उसी तरह सब कुछ करना है। आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि बाइंडिंग ऑप्शन में क्या आपके ये LAN 1, 2, 3 और 4 चेक इन है या नहीं है, क्योंकि ये लोग अक्सर चेक इन करते नहीं है और इंटरनेट चल जाता है तो आप बस जी इंटरनेट चल गया। ये सेटिंग यहाँ से ये कंप्लेंट आपने करनी है कि इसको चेक इन लगा लेने हैं। अगर आपका चेक इन नहीं था, आप चेक इन लगाने चले गए हैं, तो मेहरबानी ऐसी करें कि पहले ये वीडियो पूरी देख लें, आगे की शायद हो सकता है अगला स्टेप भी आपने ना किया हो, तो ये पहले इतना सा स्टेप देख के आप फटाफट ONGO की सेटिंग करने चले गए, पूरी वीडियो इत्मीनान से देखें, फिर उसके बाद सुकून से आप ये सेटिंग कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने चेक इन लगा लिया, चेक इन लगाने के बाद आपने करने अप्लाई एंड सेव। अप्लाई करने के बाद आपकी एक और सेटिंग है जो मैं आपसे करवाने जा रहा हूँ, जो कि मोस्टली मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता, लेकिन बहुत से नेटवर्किंग वालों को जो ये काम कर रहे हैं उसको प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने ये किया और मैं खुद भी ये कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक इसका बेटर हो जाता है। अगर ना हो इस मेथड से भी तो बाई जन डॉक्टर नहीं ठीक, आपका ये ONGO नहीं ठीक, तो इसको चेंज कर लें। सो ये सेव हो रहा है, प्रोसेसिंग वेट सेव हो चुका है आई थिंक। उसके बाद हमने लैन के ऊपर क्लिक कर लेना है, जो अगला स्टेप है हमारा। जो लैन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने DHCP सर्वर ऑप्शन नहीं सॉरी DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये प्राइमरी DNS ऐड किए हुए हैं, ये ऑलरेडी मैंने ऐड किए हुए हैं। आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपके ये ऐड नहीं होंगे, आपने क्या करना है इसको ऐड कर लेना। अगर तो आप गूगल के DNS यूज़ कर रहे हैं यानी कि 8.8.8.8 और जो उसके एंड्रॉइड DNS है वो 8.8.4.4 है, अगर तो वो आप यूज़ करें तो ठीक है, अगर वो यहाँ पर लिख लें। अगर आप वो नहीं यूज़ करते, क्लाउडफ्लेयर DNS यूज़ करते हैं, तो आपने DNS यहाँ पर इंटर कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल के ऊपर जब आप वाईफाई कनेक्ट ONGO के साथ कनेक्ट हो जाएंगे वाईफाई के थ्रू, तो आपको एक IP एड्रेस मिलेगी, ठीक है, फिर उसका सबनेट मार्क्स मिलेगा, उसके बाद एक गेटवे होगा, फिर जो प्राइमरी DNS है उसमें भी आपका जो है ना IP एड्रेस ही आ रहा था। अब होगा क्या कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी DNS में आपके दोनों DNS आ जाएंगे, इससे आपका जो सा ये कुछ डिवाइसेज जो है ना जो वर्क नहीं कर रहे तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर यार नहीं भी फिर भी नहीं ना हो रही तो आपका ये ONGO में इशू हो सकता है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, साथ ही बेल के आइकन पे लाजमी से क्लिक करके ऑल कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।